में ये मैं फास्ट चिड़ियाघर जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ही कह सकते हो, तो गुड आफ्टरनून। और हम आ चुके दिल्ली जू पर, देखो। और जिंदगी में पहली बार मैं मतलब चिड़ियाघर देख रही हूँ, पहली बार ये। सब लोग इधर फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो और आगे क्या क्या देखती हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और हो गया है, तो हम लोग अभी आगे जू में, तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या दिखाते। मैंने सुना है यहाँ पे, हमने भी ऑनलाइन में एक बार देखा था कि यहाँ पे वाइट टाइगर है, देखते बाकी में है कि नहीं, वो भी चीज़ दिखाएंगे। तो जो जो चीज़ देखूंगा जरूर शेयर करूंगा, तो साथ रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बिना स्किप करते हुए देखते रहो। चिड़ियाघर के अंदर जा रही हूँ और मेरे लाइफ में ये मैं फास्ट चिड़ियाघर जा रही हूँ। अरे मेरे भंजा है, मेरी कोई भी ब्लॉग में आता नहीं है, पहली बार भी आ रहा है। प्रोफेशनल तो चलो अंदर चलो। और हम लोग क्या ऑनलाइन टिकट कर लिया है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं है, बस अंदर चलो। और रॉबरो देखो सो गया है उसके पापा की गोदी में। जू के अंदर बहुत ही शांत मतलब व्यू है, शांत से जगह है, शांत। जाऊंगी अंदर, अभी तक सब लोग आया नहीं, राकेश फिर उज्जवल वगैरह सब लोग। अरे हमारी दीप बाबू है, ये भी बन जाई है। और वो रही संजू और रॉबरो अभी भी सो रहा है, देखूँ थोड़ी देर में जगाऊंगा, उसके बाद ही देख पाएगा सब कुछ। सुबह इसको 4 बजे जगा दिए, इसीलिए तो अभी नींद आ रही है इसको। और ट्रेन में 1 घंटा में भी सोई हूँ, मैं 1 बजे जगी हूँ। मैं तो पूरा 1 बजे जग के फिर खाना वाना बनाई, टिफिन वगैरह बना के फिर ट्रेन में आके फिर थोड़ा सो पाई हूँ। देखो दो चीते के बच्चे, एक काला एक गोरा।
लगा छाड़े तो बहुत सुंदर है। तो चिड़ियाघर में चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, मतलब पैर और चल नहीं रहा था, तो इसलिए और वीडियो मतलब कोई भी कुछ शेयर नहीं कर पाई। और उसके बाद हम दिल्लीगढ़ चले गए थे। तो अगर ये वाला वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यही पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय बाय।
और दिल्ली गेट का भी ब्लॉग मतलब आने वाला है, वो भी जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।